अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं 3-4 साल बाद अमेरिका से मांग लेंगे, सैटेलाइट की फोटो मांग लेंगे, गाड़ी किसने पलटाई, बहुत डरा दिया है आपने लोगों को। देखिए राकेश जी, अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुआ व्यक्ति जब इस प्रकार की बातें करता है तो बहुत आश्चर्य भी होता है और उतनी ही हंसी भी आती है। वास्तविकता में अखिलेश यादव जी ये बातें कह करके ये प्रयास करते हैं कि कैसे माफियाओं के पक्ष में एक लामबंदी की जाए, कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल गिराने का प्रयास किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के, जिस मामले को लेकर के वो कह रहे थे, उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई और जुडिशियल इंक्वायरी ने मारा कि विकास दुबे की गाड़ी पलटने में किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं था। उसके बावजूद बार बार अखिलेश यादव ये बात जब कहते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सड़कें एक्सप्रेस वे बनी है, गड्ढे वाली सड़कों पर अपराधियों की गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये बात ऐसे ही नहीं आ गई, ये बात ऐसे ही थोड़ी नहीं आ गई। जेपीएस राठौर कह चुके हैं, सुब्रत पाठक कह चुके हैं कि गाड़ी गाड़ी पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं मानता हूं ये बातें सिंबॉलिक रूप में है। विकास की गाड़ी आज सरपट दौड़नी चाहिए और विकास दुबे जैसे अपराधियों की गाड़ी पलट जानी चाहिए, और ये गाड़ी पलटने का भय उत्तर प्रदेश के अपराधियों में होना उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अच्छा है। अब विश्वास मानिए कि उत्तर प्रदेश के निवासी नागरिक आज इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि यूपी में एक ऐसी सरकार है जिसमें किसी अपराधी को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं है, किसी प्रकार की उसके प्रति नरमी नहीं है, मैक्सिमम कठोरता अपराधियों के प्रति की जा रही है। और यही कारण है कि अपराधियों में दहशत बनी है, तख्ती गले में लटका करके सरेंडर करने का काम अपराधी कर रहे हैं। और आज अतीक अहमद का जो पूरा परिवार आज कोर्ट के कटघरे घूमे घूम रहा है कि बचा लो किसी तरह से, आज हमको उत्तर प्रदेश में हाजिर मत करो। लेकिन 28 तारीख को उमेश पाल के अपहरण के मामले में सजा सुनाई जानी है, इसलिए मैंडेटरी प्रोविजन है कि अतीक अहमद को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया, अगर माफिया के मन में दहशत है, लोगों को इससे दिक्कत नहीं, अखिलेश यादव को इतनी परेशानी क्या है? आप लोगों को क्यों दिक्कत है? गाड़ी पलट जाए, सुरक्षित पहुंचे ना पहुंचे, सरकार देखेगी क्या करना है। देखिए, हमें दिक्कत इस बात की है कि कानपुर में मां बेटी जिंदा जल गई। जिंदा जलने का मतलब समझते हैं, मां बेटी जिंदा जल गई, पुलिस प्रशासन देखता रहा, तो क्या सवाल नहीं उठेगा? आप बताइए, आप दिल पे हाथ रखिए, यह कानपुर की घटना पर चर्चा हो रही है, इस आजाद कानपुर का है अतीक अहमद, अनुराग भदौरिया। सुनते मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप टोकिएगा। मैं अपनी बात कह लूं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, चिल्लाइए मत। बीजेपी प्रवक्ता बन रहे हैं तो आप अपना कैमरा उठा लीजिए यहां से। मैं अपनी बात कह रहा हूं, बीच में टोक पड़े, लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही ना, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी तो पूरी बात होगी ना, परेशान क्यों हो जाते हैं? पेट में दर्द क्यों हो गया? मैंने बोलना शुरू किया, आपको तकलीफ हो गई? कमाल है भाई, ये हमारे हिंदुस्तान की समस्या कि सच बात बोलने लगे और आपको तकलीफ होने लगी। देखिए, सवाल यह है कि मां बेटी जिंदा चल गई, इसी उत्तर प्रदेश की बात है, कानपुर की, कोई दूसरी जगह की तो नहीं है। और जहां पुलिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की एक पार्टी थी जिसने 100 डायल बनाया था पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए कि अपराधी तक पुलिस जल्दी से पहुंच जाए, इसलिए 100 डायल बनाया था ना, और आप पुलिस वाले इत्मीनान से काम कर पाए, सारी सुविधाएं उनके अंदर हो, तो पुलिस हेडक्वार्टर आलिशान किसने बनाया? समाजवादियों ने। और समाजवादियों ने क्या 100 डायल बना के 108 एम्बुलेंस भी बनाया कि अगर किसी को तकलीफ हो जाती है रास्ते में, रोड पे कहीं भी, तो तुरंत एम्बुलेंस ले जाके उनको अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, अपराधी को जल्दी पकड़ा जाए, इसलिए पुलिस सिस्टम हमने मजबूत किया, पुलिस हेडक्वार्टर हमने सुरक्षित अच्छा बनाया, हमने एम्बुलेंस दिया अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो समय से जल्दी पहुंच जाए। तो सवाल उठता है कि कहते हैं ना कि बस्ती में सियासत तो खूब करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने ना। ठीक, बस्ती की आवाज तो आप उठाओगे नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, अनुराग भदौरिया आपने 1.5-2 मिनट बोला, आगे आ रहा हूँ। अरे प्रयागराज पे आ रहा हूँ, रुको ना, मैं रुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, होल्ड करो भाई, 5 मिनट बोले थे, मैं तो अभी 2 मिनट नहीं हुआ, होल्ड करो, प्रयागराज पे आ रहा हूँ, होल्ड करो, मैं प्रयागराज पे आ रहा हूँ। आप बताओ, बीच में टोक पड़े, मैं आपके बीच में बोला नहीं था। मैंने प्रयागराज में जब ये घटना हुई तो कौन था? राहिल हसन, जो बीजेपी के
यूथ मोर्चे अध्यक्ष था माइनॉरिटी का प्रयागराज में, कौन था रायल हसन, किसने बनाया था इसको, उसका भाई इसमें अपराध में शामिल है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। उसके बाद अपना चेहरे को छुपाने लगेंगे और छुपाने के साथ साथ प्रयागराज में समाजवादी ने आवाज उठाई कि दिन दहाड़े गोली। अब सुनिए सुनिए अनुराग भदौरिया सुनिए सर, इतना नॉन स्टॉप नहीं सर, ये समाजवादी पार्टी या कि बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है कि मैं किसी भी नेता को नॉन स्टॉप 3-4-5 मिनट बोलने दूंगा। अब सुनिए, आपने बातचीत की अभी तक अतीक अहमद को लेकर सिंपैथी क्यों है, आप उस पर बोल नहीं पाए। अब आप सुनिए सर, 2005 में राजूपाल का मर्डर हुआ था, आपकी सरकार थी, पोस्टर बॉय था नाहिद हसन, आप लोगों ने उसे टिकट दिया। सुनिए ना सर, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया ये जो आप टैग देते हैं ना, ये जो आप सर्टिफिकेट देते हैं, तो पास रखिए, उसको मैं झाड़ देता हूँ, मैं बिल्कुल आपके मुंह में नहीं डाल रहा हूँ। आप सुनिए ना सर, मैं बिल्कुल शब्द मुंह में नहीं डाल रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ आपको और आपका आईना इस देश की और प्रदेश की जनता को। सुनिए, मैंने तो कोई 2017 में आपने एमएलए का टिकट दिया था नाहिद हसन को, अतीक मुख्तार को आपने सपोर्ट किया, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव में कहता है आने दो सपाहियों का शासन, देख लेंगे कौन किस पर बुलडोजर चलाता है। नहीं नहीं, आप चिल्ला रहे हैं अनुराग भदौरिया, आप चिल्ला रहे हैं अनुराग भदौरिया और ये दिखा रहा है कि अतीक पर कार्रवाई हो रही है, तो किसको दिक्कत हो रही है, किसके पेट में दर्द हो रहा है? अनुराग भदौरिया बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जैसे ही खबर मिली है कि अतीक अहमद को लेने के उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है, अनुराग भदौरिया मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ऐसे अनुराग भदौरिया 2005 में किसके पास सरकार थी? अनुराग भदौरिया 2005 में किसके पास सरकार थी? राजूपाल का मर्डर हुआ था, बोलिए ना किसके पास सरकार थी? जिम्मेदारी 5 अपराधों में यूपी नंबर 1 था आपके सरकार में, आपके शासन काल में। अनुराग भदौरिया आईना देखा करिए। अरे सुनो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हो गया, अतीक पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे, मुख्तार पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे, नाहिद हसन पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे, विकास दुबे पर बोल नहीं पाएंगे। सत्ता में हम नहीं है प्रभु। 2005 में कौन था? 2005 में कौन था? अतीक अहमद को एमपी का एमपी किसने बनाया? मुख्तार को किसने बनाया? आप निश्चित रहिए, आप सत्ता में आने वाले भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ क्यों? गोला बारूद चली दिन दहाड़े, प्रयागराज में गोला बारूद क्यों चली? ये सवाल सत्ता पद से पूछा जाना है, विपद से नहीं।